कालीवीर जी की करो जो करना की तरफ से मुझे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित करते हुए बहुत हर्ष और उल्लास हो रहा है, खुशी हो रही है कि जम्मू कश्मीर के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि जम्मू संभाग स्पेसिफिक, जम्मू संभाग के 10 जिलों के स्पेसिफिक एक पॉलिटिकल पार्टी खड़ी हो गई है और उसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मान्यता प्रदान कर दी है। मैं कुछ और कहूं, इससे पहले ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा इशू किया गया सर्टिफिकेट मैं आप सबके सामने रख रहा हूं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये सर्टिफिकेट एकजुट जम्मू रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी जो एक कॉमन सिंबल के तले अब चुनाव लड़ेगी आने वाले, उसके फेवर में इशू किया है। मैं दर्शकों के लिए इसे पढ़ना चाहता हूं, इसकी 2-3 पैराग्राफ्स देखिए। ये इस सर्टिफिकेट की डेट 22 दिसंबर 2021 है, 22 दिसंबर 2021 टू द प्रेसिडेंट एकजुट जम्मू। सर, आई एम डायरेक्टेड टू स्टेट दैट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आफ्टर हैविंग कंसिडर्ड योर एप्लीकेशन डेटेड 23 नवंबर 2020 को हमने फाइल डिपॉजिट करवाई थी फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ एकजुट जम्मू एज अ पोलिटिकल पार्टी एंड द डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस्ड इन सपोर्ट ऑफ द स्टेटमेंट्स और अवर्मेंट्स मेड और कंटेन्ड इन द सेड एप्लीकेशन एंड द सबमिशंस मेड बाय ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पार्टी ऑन 22 जुलाई 2021 इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेड एप्लीकेशन एंड हैविंग नोटेड दैट नो ऑब्जेक्शन हैज बीन फाइल्ड बाय एनीवन टू द रजिस्ट्रेशन ऑफ द पार्टी अंडर द सेड नेम इन रिस्पॉन्स टू द पब्लिक नोटिस published by the applicant in the newspapers has registered Ekjut Jammu as a political party under section 29A of the Representation of Peoples Act 1951 and on with effect from 9/12/2021. So 9/12/2021 ke baad se Ekjut Jammu ek registered political party registered with Election Commission of India ho gayi hai. Main एकजुट जम्मू परिवार से पूरे जम्मू संभाग के निवासियों को, उन देशवासियों को जो राष्ट्रवाद में विश्वास रखते हैं, जो देश में विश्वास रखते हैं, जो देश की एकता और अखंडता में विश्वास रखते हैं, सबको मुबारकबाद देना चाहता हूं। अब वो समय आ गया है जिस क्रिटिकल जंक्चर पे जम्मू को एक पॉलिटिकल ऑप्शन की जरूरत थी, जिस ऑप्शन लेस के समय पे जम्मू संभाग को एक प्रॉपर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की जरूरत थी, एक अल्टरनेट पॉलिटिकल व्हीकल उसकी जरूरत थी, वो बन के आ गया है। ये सब जम्मू संभाग के लोगों के प्यार, देश के लोगों के, राष्ट्रवादी लोगों के स्नेह और आशीर्वाद का नतीजा है कि बहुत उक्त अपने उम्मीदवार कैंडिडेट्स उतारेगी, ताकि ये जो हमें ताना मारा जाता है कि जम्मू संभाग के लोगों के पास ऑप्शन क्या है, उसका जवाब दिया जा सके। जम्मू संभाग की और जम्मू संभाग के लोगों की पिछले 70 वर्ष से हो रही प्रताड़ना का जवाब है एकजुट जम्मू। पिछले 70 वर्षों से हो रही डिसएम्पावरमेंट, मतलब कमजोर करना जम्मू संभाग को, हमेशा प्रताड़ित करना, उसका जवाब है एकजुट जम्मू। और ऐसे तानों का जवाब है एकजुट जम्मू कि हमें वोट नहीं दोगे तो किसे दोगे। आप एकजुट जम्मू की पृष्ठभूमि सब जानते हैं, पिछले कई वर्षों से हम कार्यरत हैं जम्मू संभाग की पॉलिटिकल एम्पावरमेंट और लिबरेशन, उन इश्यूज पे हमारा डिलीवरी का ट्रैक रिकॉर्ड है। जम्मू संभाग के 10 के 10 जिले, चाहे कठुआ हो, सांबा हो, राजौरी हो, पुंछ हो, डोडा हो, किश्तवाड़ हो, रामबन हो, रियासी हो, उधमपुर हो, सब जिलों को इकट्ठा लेके जम्मू संभाग की पॉलिटिकल एम्पावरमेंट और लिबरेशन की लड़ाई एकजुट जम्मू लड़ेगा। और जैसा एकजुट जम्मू ने नवंबर 2020 में उद्घोषणा करते समय एकजुट जम्मू एज अ पॉलिटिकल पार्टी की कहा था कि अल्टीमेटली हमारा एम रहेगा जम्मू को एक सेपरेट स्टेट बनाना, द पॉलिटिकल एम ऑफ एकजुट जम्मू इज सेपरेशन ऑफ जम्मू फ्रॉम कश्मीर और एक फुल फ्लेज्ड स्टेट के रूप में। और जितने भी प्रोसेसेस देश के और जम्मू के खिलाफ चल रहे हैं, कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज ने जिस तरीके से सेक्युलर और कम्युनल इश्यूज को इस्तेमाल करते हुए डिस्क्रिमिनेट किया, ध्वस्त किया, जम्मू की अस्मिता को ठेस पहुंचाई, हानि पहुंचाई, उसका जवाब एकजुट जम्मू बनके उनके सामने आ रहा है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में जिस तरीके से लोगों का प्यार और स्नेह हमें मिल रहा है, आने वाले विधानसभा चुनावों में ड्यू रिप्रेजेंटेशन, प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन विधानसभा में लेके बिल्कुल जम्मू की एम्पावरमेंट का मार्ग प्रशस्त करने की जिम्मेवारी एकजुट जम्मू लेगा। और कैंडिडेट सिलेक्शन, चुनाव जम्मू कश्मीर में अगले वर्ष किसी भी वक्त हो सकते हैं जिस तरीके की खबरें आ रही है, तो कैंडिडेट सिलेक्शन के प्रोसेस के बारे में भी मैं आपको कह दूं। पूरे जम्मू संभाग से उन लोगों को मैं न्योता देता हूं,
उन तमाम बुद्धिजीवियों को, उन लोगों को जो जम्मू संभाग के बारे में, देश के बारे में सोचते हैं, कि भारी संख्या में एकजुट जम्मू ज्वाइन करिए। कैंडिडेट सिलेक्शन का प्रोसेस बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होगा। वो लोग जो डिजर्विंग है, एक तरीके का जैसा सिलेक्शन क्राइटेरिया रहता है, वो लोग जो देश के लिए, जम्मू के लिए काम करने की भावना रखते हैं, वो लोग जिनका कोई आगे पीछे कुछ नहीं और लॉबी सिस्टम कुछ नहीं है, ऐसे लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी, ऐसे लोगों को टिकटों का वितरण किया जाएगा, उसको उसके संदर्भ में एक डिटेल्ड प्रोफार्मा लेके, ताकि हर कोई इस मूवमेंट से जुड़े, समस्या ये रहती है कि हर व्यक्ति बदलाव चाहता है, चेंज चाहता है, लेकिन उसे कोई व्हीकल नहीं मिलता, कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। आज एकजुट जम्मू, जम्मू संभाग और देश के तमाम उन लोगों के लिए एक ऐसा पोलिटिकल व्हीकल और ऑप्शन क्रिएट हुआ है, जो ये जो शिकायतें हैं कि पढ़े लिखे लोग, ईमानदार लोग, जिनके पीछे कोई बैक ना, वो आगे नहीं आ सकते, लीडरशिप नहीं अज्यूम कर सकते, वो सब चीज़ें खत्म करने के दृष्टिकोण से एकजुट जम्मू, बैक ना वो आगे नहीं आ सकते, लीडरशिप नहीं अज्यूम कर सकते, वो सब चीज़ें खत्म करने के दृष्टिकोण से एकजुट जम्मू आया। और इसी संदर्भ में कैंडिडेट्स की सिलेक्शन भी होगी, टिकटों का वितरण भी होगा, सब सीटों पर, जम्मू संभाग की 43 की 43 सीट्स पे एकजुट जम्मू अपने कैंडिडेट्स उतारेगा। कश्मीर संभाग से हमें कोई लेना देना नहीं है, दिल्ली से हमने कोई आदेश नहीं लेने। पिछले 70 साल में समस्या ही ये रही कि पॉलिटिकल पार्टीज कश्मीर की बात करती थी, दिल्ली से आदेश लेती थी, भाजपा ने भी वही किया, कांग्रेस ने भी वही पीक किया, और एनसी और पीडीपी का कार्यकलाप जो है तो वो आपने देखा ही पिछले 70 साल से। ये पहली बार इसीलिए हिस्टोरिक है, इस क्रिटिकल जंक्चर पे जहां पे हम सर्वाइवल और एग्जिस्टेंस के अपने इश्यूज फेस कर रहे हैं, चाहे वो स्टेट स्पॉन्सर्ड डेमोग्राफिक असॉल्ट हो, चाहे हमारे नंबर्स को